एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए 4 हेल्दी रेसिपीज लेकर आई हूँ, और अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इन रेसिपीज को खा सकते हैं। और धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हेल्दी खाने का मतलब होता है टेस्टी खाना, राइट? बस डिपेंड करता है कि हम अपने खाने को बनाते कैसे हैं, कितनी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम मसाले यूज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो जो पहली 2 रेसिपीज़ हैं, इन रेसिपीज़ को आप अपने डिनर में भी खा सकते हैं, एट द सेम टाइम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, और लास्ट की जो 2 रेसिपीज़ हैं उन रेसिपीज़ को आप अपने स्नैक टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट रेसिपी। सबसे पहले एक स्मॉल बोल क्विनोआ लेंगे और इसे करीब 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे, और अभी अच्छे से बॉईल हो चुका है। और अब हम अपनी वेजीज बनाएंगे। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। फिर 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटी हुई गाजर, अराउंड 20 ग्राम्स बीन्स, हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक कुक करेंगे। और फिर 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 10 ग्राम हरी मटर, 10 ग्राम बॉइल्ड कॉर्न्स, 1 कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम मसाले मिलाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। और अब बॉइल्ड क्विनोआ मिला देंगे। अगर आपको नमक कम लगे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स इट वेल एंड इट्स रेडी। 1 मीडियम साइज बोल क्विनोआ हम डिनर में खा सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी। हम बनाएंगे ग्लूटेन फ्री राइस पास्ता। 1 मीडियम साइज बोल पास्ता और कॉर्न साथ में बॉईल करेंगे अराउंड 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अभी अच्छे से बॉईल हो चुका है। नाउ लेट्स प्रिपेयर आवर वेजीज। मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, 1 कटा हुआ प्याज और 1 कटी हुई शिमला मिर्च लेंगे, 1 कटा हुआ गाजर मिलाएंगे, फिर 100 ग्राम्स मशरूम ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि सब्जियां जल्दी से पक जाएं, 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, फिर 1 कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 लहसुन, 1 इंच जिंजर और 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और हल्का सा पानी मिलाकर ब्लेंड कर देंगे। अब हमने जो टोमेटो प्यूरी बनाई है इसे हम वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, अराउंड 1 बड़ा कप पानी ऐड करेंगे और ढक कर 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। और अब मसाले अच्छे से पक गए हैं। पास्ता और कॉर्न ऐड करेंगे एंड मिक्स इट वेल। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और साथ में ओरिगैनो ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज बोल पास्ता हम अपने डिनर में भी खा सकते हैं।
साथ में ब्रेकफास्ट में भी एंजॉय कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक चॉकलेट बनाना स्मूदी। इसे बनाने के लिए हमें 1 टीस्पून कोको पाउडर चाहिए, 1 बनाना, 1 स्मॉल कप स्किम्ड मिल्क, 1 टीस्पून पीनट बटर। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे। Tasty smoothie is ready. Do try this, guys. You will love the taste. No sugar, no jaggery, no honey at all. 100% natural. हमारी लास्ट रेसिपी है इन्फ्यूज्ड वाटर, और इस डिलीशियस डिटॉक्स ड्रिंक को बनाने के लिए हमें 1 कटा हुआ खीरा चाहिए। पुदीना और काला नमक, साथ में जीरा पाउडर और आधा नींबू। रिमूव द सीड्स। ब्लेंडर में खीरा ऐड करेंगे, पुदीना, मिंट लीव्स। ब्लैक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 लार्ज ग्लास पानी मिला देंगे एंड ब्लेंड इट। मैंने 3 से 4 आइस क्यूब्स लिए हैं, साथ में 2 स्लाइस ऑफ लेमन, सम मिंट लीव्स, और ब्लेंड किए हुए इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। आप स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से छान लें। Enjoy your delicious, healthy, infused water. I hope कि आपको ये recipes पसंद आई होंगी और ये video आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये video आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर like कर दीजिएगा और अपने friends और family के साथ इसे share करिए। And I will see you in the next video. Bye, take care.